हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक और पेशेंट, क्या नाम है आपका? मिर्जा हसमत अली। मिर्जा हसमत अली। और हसमत, आप कहाँ से हैं? मैं असम बरपेटा से। असम बरपेटा। बरपेटा। तो मिर्जा हसमत अली को जो प्रॉब्लम थी दोस्तों, वो हायटस हर्निया और GERD एसिड रिफ्लक्स की समस्या थी। तो मिर्जा, आप कितने टाइम से परेशान थे इस प्रॉब्लम से? करीबन 3 साल से। 3 साल से। और आपको ये एसिड रिफ्लक्स के क्या सिम्टम्स होते थे? मुंह में खट्टापन आना, गले जलना, उल्टी होना, उसके बाद थूक आना। तो छाती में जलन होना, गर्दन में जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आ जाना और वॉमिटिंग भी हो जाना। तो वॉमिटिंग में क्या निकलता था आपको? कब, कितने दिन में वॉमिटिंग होती थी? कितनी फ्रीक्वेंटली वॉमिटिंग होती थी आपको? सर, जब भी मैं खाना खाता था, 5 मिनट बाद ही अगर उल्टी ना करूँ तो सर दर्द होने लगता था। सर दर्द भी होता था आपको? तो जब खाना खाया तो बेचैनी सी आपको होती थी और हेडेक होता था? हाँ जी सर। नौजिया की फीलिंग? हाँ, भारीपन सा, सर घूमना और उल्टी करने के बाद रिलैक्स फील होता था। रिलैक्स कर। और जब आप उल्टी करते थे तो उसमें क्या निकल के आता था? जो भी मैं खाना था सेम। और उसमें साथ में एसिड निकल के आता था? एसिड निकलता था। और जब आपको जो मुंह में कह रहे हैं खट्टा पानी आता था, वो भी एसिडिक टाइप का पानी होता था? कैसा महसूस होता था वो खट्टा पानी? क्या था वो जो आपके मुंह में आता था? वो सर ऐसा तो इतना याद नहीं है। बट अगर गैस्ट्रिक का टेबलेट अगर एक दिन ना लूँ तो ज्यादा हो जाता है। तो आप रोज गैस्ट्रिक की टैबलेट खाते थे? रोज गैस्ट्रिक की टैबलेट खाते। कितने टाइम से आप गैस्ट्रिक की टैबलेट ले रहे थे? 3 साल। 3 साल। और अगर आप किसी दिन वो टैबलेट को मिस कर दे तो क्या होता था? ज्यादा होता था। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनको जो सिम्टम्स थे वो सारे टिपिकल सिम्टम्स ऑफ एसिड रिफ्लक्स, कि छाती में जलन होना, गले में जलन होना, मुंह में खट्टा पानी आना, उल्टी आ जाना, हेडेक होना। और ये पिछले 3 साल से रोज एसिड को रोकने की दवाइयाँ खा रहे थे, और जिस दिन ये दवाई को मिस करते थे उस दिन आप बेचैन हो जाते थे, सिम्टम्स इनके वर्स हो जाते थे। तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? आप इतनी दूर हैं, कौन सा विलेज था आपका? सॉरी, बारपेटा। तो बारपेटा में आप बैठे थे, हम यहाँ पर दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल बसंत कुंज में। तो आपको इतनी दूर से हमारे बारे में कैसे पता चला? सर, इस प्रॉब्लम के वजह से मैं रोज सिम्टम में दवाइयों के बारे में कुछ ना कुछ ठीक होने के लिए सर्च करता था। ओके। तो उसके बाद एक दिन आपका वीडियो आया, जो वीडियो मैंने देखा, जो पेशेंट लोग हैं, जो जो बोला सब कुछ मेरे से मिलता है। ओके। तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं भी ठीक हो सकता हूँ इस प्रॉब्लम से। उसके बाद आपका कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया है, उस नंबर पर फ़ोन करके आपको कॉन्टेक्ट करके इधर आए। फिलहाल अभी ठीक हूँ। अभी ठीक है। तो आप ये बता रहे थे कि जब आपने मेरा वीडियो देखा, और मुझे याद है कि आपने एक बार मुझे अपने पेरेंट्स से भी बात करवाई थी, तो वो क्या था, उस समय क्या हुआ था? तब जब वीडियो देखा था तो घर वालों को थोड़ा सा लगा कि आसाम से इतना दूर, तो घर वालों को थोड़ा सा बेचैनी फील हुआ कि क्या होगा ना होगा। तो घर वालों से बात किया, करवाया आपका, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया और फाइनली मेरे को इधर भेज दिया। अभी अल्लाह ताला ने मेरे को भी ठीक किया। तो दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे पेशेंट्स बहुत दूर से आते हैं, है ना। कोई असम से आ रहा है, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई महाराष्ट्र से, आंध्रा से, कर्नाटका से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा, पंजाब, तो हर जगह से पेशेंट्स आते हैं। और जब पेशेंट्स, अब कल मुझको एक जेंटलमैन का फ़ोन आया और वो मुझे लंदन से कॉल कर रहे थे, और वो भी कि किस तरह से हम आएंगे, क्या होगा, क्या उसकी लॉजिस्टिक्स होंगी, हम कहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे, कितने दिन का एडमिशन होगा। तो ये बहुत सारी मन में दुविधाएं होती हैं। लोग सोचते हैं कि यार हम काश हम अपने घर के आसपास ही ये ऑपरेशन क्यों ना करा लें, है ना, इतनी दूर जाना, दिल्ली कौन आएगा। पर दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑपरेशन है, ये एक बड़ा टेक्निकल ऑपरेशन है ना। इस ऑपरेशन में हम जो वैल्व ढीला हो जाता है, उस वैल्व को हम टाइट करते हैं। तो वैल्व कितना टाइट कर रहे हैं उससे अल्टीमेट आउटकम पेशेंट की निर्भर करती है। और ऑब्वियसली अगर कोई सर्जन इस सर्जरी को बहुत फ्रीक्वेंटली करता है, रोज ही करता है ना, तो ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है और आउटकम बेहतर होती है।
और अगर आपके आसपास के सर्जन अगर उनको एक्सपीरियंस है तो यस आप वहां पर भी सर्जरी करा सकते हैं, बट अगर कोई सर्जन इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो 6 महीने में एक बार, साल में एक बार ऐसी सर्जरी कर रहा है, और अगर आप उसको कंपेयर करो ऐसे सर्जन से जो रोज 4-5 इसी तरह की सर्जरी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। तो आपका कल आपकी सर्जरी हुई है? जी सर। तो आज ठीक महसूस कर रहे हैं? तो कोई दर्द वर्द पहले से बेटर महसूस कर रहे हैं? और कोई दर्द वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा है? नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं। तो आप उठ के चल फिर भी पा रहे हैं? हाँ। आप एक काम करो, हमको यहाँ पर एक राउंड मार के दिखा दो। ठीक है, कंफर्टेबल? एक बार अपना पेट भी दिखाओ हमको। तो दोस्तों आप देखिए, आप आ जाओ मेरे पास आके बैठो। तो एक बार आप शर्ट अपनी आप ऊपर करो, शर्ट अपने ऊपर करो। तो दोस्तों इस तरह के छोटे छोटे से इस पट्टी के नीचे इतने छोटे छोटे से निशान हैं जिसके थ्रू हम ये ऑपरेशन करते हैं। और क्योंकि ये सर्जरी बिना कोई ओपन कट के लैप्रोस्कोपिक विधि से करी जाती है, छोटे छोटे स्कार्स के थ्रू ये सर्जरी करी जाती है, इसकी वजह से अंदर तो ऑपरेशन बड़ा ही है पर पेशेंट को ज़्यादा पता नहीं चलता, पेशेंट बहुत जल्दी कम्फर्टेबल हो जाता है। तो तुम जो व्यूअर्स, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम भी घर बैठ के ऐसा ही एक वीडियो देखते थे कि कोई और यहाँ पर मरीज बैठा होता था और कुछ बोल रहा होता था। हाँ जी सर। तो आज तुम इस चेयर पे आए हो, है ना। जो लोग इस समस्या से परेशान हैं, है ना, जिनको हाइटस हर्निया है, एसिड रिफ्लक्स है, उनको कुछ कहना चाहते हो? सर उनसे यही कहूँगा कि अगर किसी को भी ये हाइटस हर्निया GERD का प्रॉब्लम है और ये वीडियो देख रहा है तो और बहुत सालों से भुगत रही है तो जल्दी से जल्दी सर से कॉन्टेक्ट किया और इधर आ जाए। तो दोस्तों अगर जैसे कि हजमत ने बोला कि अगर आपको हाइटस हर्निया है, एसिड रिफ्लक्स है और आप परेशान हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप नीचे लिखे गए नंबर पर आप ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए और अपनी रिपोर्ट्स हमको भेजिए। हम न्यू दिल्ली में फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज, यहाँ पर मैं अभी काम करता हूँ, तो यहाँ पर आके आप मुझसे मिल सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स हमसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है। देखिए हर मरीज का जिसको हाइटस हर्निया है, एसिड रिफ्लक्स है, ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज को सर्जरी की ज़रूरत हो। कई मरीजों को मेडिसिन से भी इलाज हो सकता है, कुछ लोगों को सर्जरी की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों का अलग इलाज होता है। तो आप अपनी रिपोर्ट्स हमसे शेयर कर सकते हैं और आपके केस में जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है आपको आपकी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए, वो हम आपको ज़रूर सजेस्ट करें।